बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी दोस्तों, कैसी हैं आप सब? दोस्तों जल्दी से एक क्विक सा मेकअप करते हैं, सॉरी मेकअप नहीं, हेयर स्टाइल करते हैं। देखिए, मैंने बालों को अच्छे से कॉम किया, कॉम करके मैंने पोनी बनाई ताकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका हमारा वेस्ट नहीं हो। फिर मैंने इसे दो सेक्शन में डिवाइड किया, एक सेक्शन को मैंने इस तरह से ट्विस्ट करके इसमें रबर बैंड लगा दिया। सेम मैं यही प्रोसेस अपने इस सेक्शन में भी करूँगी, इसको भी मैंने ट्विस्ट करना है, अच्छे से ट्विस्ट करना है। मेरी डमी के बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो बहुत थोड़ा सा ये लूज़ हो जा रहा है। अदरवाइज़ आपने अगर अपनी क्लाइंट पे करना है या अपने पे करना है तो आपने इस ट्विस्ट को थोड़ा सा टाइट रखना है, ठीक है। अब इसको मैंने ट्विस्ट करके अब मैंने इसको रबर बैंड लगा देना है। रबर बैंड लगा के इसको अच्छे से मैंने सिक्योर कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोनों पोर्शन को मैंने इस तरह से ट्विस्ट कर दिया। अब क्या करना है, हमने ये करना है कि हाँ, ये जो मैंने ट्विस्ट किया है इसको मैं सबसे पहले इस तरह से मज़ीद में इस तरह से रोल करके मैं इसको इस तरह से जूड़े की शेप में इसको मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है, अच्छा जूड़े की शेप में लाते हुए अगर ये थोड़ा सा लूज़ भी हो जाता है ना तो ये बुरा नहीं लगेगा, ये देखने में आपको अच्छा ही लगेगा। और साथ साथ हमने क्या करना है, हमने साथ साथ जूड़ा पिन भी लगाते रहना है। आपको पता है दोस्तों अभी गर्मियाँ किस कदर हैं पूरे पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे मैं अपनी कराची की बात कर रही हूँ। हमारे कराची में तो बहुत ही गर्मियाँ हैं शिद्दत की, तो इसके लिए हमने ये करना है कि जनाब हमने अपने बालों की स्टाइलिंग भी करनी है, बालों को अपने बांध के भी रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले बाल भी, आप यकीन माने बाल इतना खुले रखने से गर्मी आपको पता है ना कितनी लगेगी। और अगर बालों का आपने स्टाइल करना भी ज़रूरी है, शादी है या कोई फंक्शन है या आपके घर में कोई तकरीब है तो आपने करना भी है। ठीक है दोस्तों, अब सेम इसी तरह से मैं अपने इस पोर्शन को दोबारा से मैंने इस तरह से ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करके मैं इस तरह से इसको लेके आ रही हूँ नीचे की तरफ से। अच्छा, नीचे की तरफ से लाने के लिए मुझे यहाँ पर से जूड़ा पिन इसको लगाना है ताकि ये सिक्योर हो जाए। ठीक है, हाँ ऊपर से भी लगाना है। ठीक है जी, और इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। बॉबी पिन ज़रूर रखा करें आप अपने इसमें वैनिटी में, क्योंकि बॉबी पिन की हेल्प से ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब हम बॉबी पिन यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। और इस जिस तरह से देखिए बॉबी पिन में और इसमें ये फ़र्क होता है कि जब हम बॉबी पिन यूज़ कर रहे होते हैं ना तो वो इतनी बड़ी नहीं होती है और वो विजिबल भी नहीं रहती है फिर, जबकि दूसरी जो पिन होती है वो विजिबल हो जाती है। अब देखें जैसे ये बॉबी पिन है, ठीक है, ये देखें बॉबी पिन है और ये है नॉर्मल पिन जो हम लगाते हैं, तो ये इससे थोड़ी सी बड़ी होती है ना, तो बॉबी पिन ज़रूर रखा करें। अब क्या करना है, हमने अपनी डमी को सीधा किया, सीधा करके हमने उसके अच्छे से बन वो कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा फैंसी लुक दें, थोड़ा सा इसे हम डेकोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से
देखिए दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इस फ्लावर को सेंटर में खूबसूरती से इसको अब हमने लगा देना है। सेंटर में जगह नहीं हो रही है इसकी, तो हम इसे साइड में कर देते हैं, ठीक है। लेकिन लगाना है, हिम्मत नहीं हारनी, ओके। तो और आगे से हमने क्या करना है, बालों की दो लट निकाल देनी है, सही है। बालों की लट निकाल दी आपने इस तरह से, ये आपका देखें खूबसूरत सा जूड़ा बन तैयार हो गया है। आपने इसको अपने इसमें भी करना है, पार्टी में भी करना है, आपने अपने कैजुअल में भी कर सकती हैं, आप जिस तरह से भी चाहें आप इस जूड़े को बासानी आप कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये हेयरडू कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से ये इसकी आपने लट निकाल दी, लट निकाल के आपने इस तरह से, तो जनाब आई होप आपको मेरा ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।